टेंथ पार्ट देखते हैं, वाई बराबर है एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स। हमने क्या करना है, हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर आप राइट हैंड साइड को गौर से देखें तो यहां पे आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट मौजूद है, एक्स और ई की पावर साइन एक्स। मल्टीप्लाई हो रहे फंक्शंस, हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या था, यू इंटू वी का डेरिवेटिव, यू का डेरिवेटिव इंटू वी प्लस v का डेरिवेटिव इंटू यू, ये हमारा था प्रोडक्ट रूल। तो अब यहां पे ये x हमारा u है और जो e की पावर साइन x है वो क्या है, v है। तो अब डेरिवेटिव हम निकालते हैं प्रोडक्ट रूल की मदद से, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड पे आ गया हमारे पास dy बाय dx, और राइट साइड पे देखिए प्रोडक्ट रूल लगाना, हमने u का डेरिवेटिव लेना है यानी x का डेरिवेटिव लेना है, d बाय dx ऑफ x, और उसके बाद v एज इट इज है, v हमारा है e की पावर साइन x। तो e की पावर साइन x प्लस u इंटू v का डेरिवेटिव, तो u क्या है, x है, और v का डेरिवेटिव लेना है तो d बाय dx ऑफ e की पावर साइन x। तो देखिए क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या है, 1 होता है, साथ में e की पावर साइन x एज इट इज आ जाएगी प्लस x। यहां पे आपने डेरिवेटिव लेना e की पावर साइन x का, e की पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव, वही बात। तो पहले e की पावर f ऑफ x एज इट इज, e की पावर साइन x एज इट इज, और उसके बाद e की पावर जो f ऑफ x का डेरिवेटिव है वो क्या होता है हमारे पास, e की पावर f ऑफ x इंटू f ऑफ x का डेरिवेटिव। तो मैंने e की पावर f ऑफ x एक दफा एज इज लिख ली है, अब मैंने f ऑफ x का डेरिवेटिव लेना। तो f ऑफ x मेरे पास यहां पे क्या है, साइन x। तो मैंने साइन x का डेरिवेटिव इसके साथ लेना है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। तो अब देखिए जी, डेरिवेटिव हमने ले लिया, अब सिंप्लीफाई करना है। कुछ फैक्टर्स अगर कुछ टर्म्स कॉमन आती हैं तो हम उनको कॉमन ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे e की पावर साइन x मौजूद है, यहां भी e की पावर साइन x मौजूद है, हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहां आ गया e की पावर साइन x कॉमन, और बाकी क्या बच गया आपके पास, देखिए जी यहां से बच गया 1 और इधर से x और cos x, तो 1 प्लस x cos x आ गया। तो dy by dx आ गया e की पावर साइन x इंटू 1 प्लस x cos x। 12th पार्ट देखिए जी, y बराबर है x प्लस 1 की पावर x। अब यहां पे जरा ध्यान से देखें तो वेरिएबल पावर में भी है और बेस में भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल बेस की पावर भी एक वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, ऐसा तो कोई रूल हमने सीखा ही नहीं है। हमने क्या सीखा है रूल्स, हमने या तो इसका डेरिवेटिव लेना सीखा है x की पावर n का, जो हमारे पास पावर रूल था n x की पावर n माइनस 1 देखा था, इसका डेरिवेटिव। यहां पे वेरिएबल बेस थी और आपकी पावर एक कांस्टेंट थी, और उसके बाद एक और हमने पढ़ा था a की पावर x का डेरिवेटिव। यहां पे वेरिएबल पावर में था और बेस में कांस्टेंट था, तो ऐसा कोई रूल हमने देखा ही नहीं कि पावर में भी वेरिएबल हो और बेस में भी वेरिएबल हो। x की पावर x टाइप का कोई हमने ऐसा रूल नहीं देखा कि उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। तो अगर हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें वेरिएबल ही बेस हो और वेरिएबल ही पावर हो, तो फिर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेना है। उसका फायदा क्या होगा, हम नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे जो लॉग ऑफ एक्स की पावर एन वाली है, कि वो पावर हम शुरू में लेके आएंगे, यानी ये जो पावर है हमारी, ये वाली पावर, इसको हम स्टार्ट में लेके आ जाएंगे, लॉग की वजह से वो पावर शुरू में आ जाएगी, तो वेरिएबल पावर खत्म हो जाएगी, और फिर हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच जाएगा वो x टाइम्स log ऑफ x प्लस 1 रह जाएगा, और फिर हम पुराने तरीकों से log वाले और प्रोडक्ट रूल लगा के उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगी, सबसे पहले हमें जो वेरिएबल पावर है उसको खत्म करना है, यानी वहां से उसको log की वजह से उसको शुरू में लेके आना है, तो पहले हमें log लेना पड़ेगा। तो जी टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स,
यहां आ जाएगा log ऑफ y, यहां आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1 की पावर x, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखिए जी राइट साइड पे आप log वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि नेचुरल log ऑफ x की पावर n बराबर n टाइम्स नेचुरल log ऑफ x, यानी कोई भी log हो उसके लिए प्रॉपर्टी है। तो यहां पे हमारे पास नेचुरल log है तो पावर शुरू में आ जाती है, तो यहां पावर जो है वो x स्टार्ट में आ जाएगी और हमारे पास आ जाएगा नेचुरल log ऑफ x प्लस 1। अब हम अगर अपनी राइट हैंड साइड को देखें तो यहां पे x इंटू लॉग एक्स प्लस 1 है, तो राइट साइड पर जो भी फंक्शन आ रहे हैं और जिस टाइप के भी फंक्शन आ रहे हैं उनके डेरिवेटिव्स लेने हमने सीख लिए हुए हैं। यानी यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, एक x है f of x बराबर x है और दूसरा जो फंक्शन g of x है वो है log x plus 1, तो इनका डेरिवेटिव हम इजीली निकाल सकते हैं। तो अब हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, d by dx ऑफ log y, राइट साइड पे देखें क्या आएगा, राइट साइड पे है आपके पास दो फंक्शंस, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा हमें, तो u आपका ये वाला u होगा और ये आपका फंक्शन क्या होगा v होगा। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, u का डेरिवेटिव लेते हैं, तो d by dx ऑफ x इंटू v आपका एज इट इज होता है तो log x प्लस 1 आ जाएगा प्लस अब आपका x एज इट इज और जो v है उसका डेरिवेटिव यानी log x प्लस 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा नेचुरल log x प्लस 1। देन यहां अगर आप राइट साइड को देखें तो यहां पे log ऑफ y है और उसका डेरिवेटिव आप ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव 1 ओवर y होगा अगर हम इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लें, y के रिस्पेक्ट से, तो यहां पे हमें चेन रूल लगाना है, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, d by dy ऑफ log y एंड देन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे हमने लगाया है चेन रूल। और राइट साइड पे देखें क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 डॉट log x प्लस 1 प्लस x, log x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, log f ऑफ x टाइप का फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर f ऑफ x, 1 ओवर f ऑफ x यहां पे क्या है x प्लस 1 और उसके बाद f ऑफ x का डेरिवेटिव लेना होता है हमने वो है x प्लस 1 f ऑफ x, तो इसमें x का डेरिवेटिव 1 है और 1 का क्या है 0, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया 0 आ गया, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब देखिए जी ये आ गया आपके पास log y, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y, 1 ओवर y और साथ में क्या आ गया है dy by dx और यहां देखें यहां आ गया नेचुरल log x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 1 हो गया, तो यहां ऊपर आपके पास सिर्फ x बच गया तो x ओवर x प्लस 1 आ गया। हमने dy by dx निकालना है तो इस y को हम उधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, लेकिन उससे पहले हम राइट साइड पे एलसीएम ले लेते हैं, हम इधर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1 और यहां x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस x, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा राइट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे है 1 ओवर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो हम y को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इधर से y कैंसिल हो जाएगा और उधर y अपीयर हो जाएगा, तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है उस पे बच जाएगा dy by dx, तो यहां पे है 1 ओवर y dy by dx, अब y को मल्टीप्लाई करवा दें उस तरफ तो dy by dx आ जाएगा y into x plus 1 log x plus 1 y की वैल्यू ले जाए y है x प्लस 1 की पावर x इंटू ये टर्म आपकी एज इट इज
अच्छा अब यहां देखें, यहां x प्लस वन की पावर कितनी है, 1, और यहां पे है उसकी पावर x, यहां x प्लस वन की पावर 1 है, यहां x प्लस वन की पावर x है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस वन की पावर x माइनस वन, और ब्रैकेट वाली टर्म एज इट इज। तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया, x प्लस वन की पावर x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लॉग ऑफ x प्लस वन प्लस x। x 13 पार्ट देखते हैं जी, y बराबर है नेचुरल लॉग x की पावर नेचुरल लॉग x। यहां पे भी बेस में वेरिएबल और पावर में वेरिएबल मौजूद है, तो हमें वही काम करना है जो हमने पहले किया है, कि हमें सबसे पहले जो पावर है नेचुरल लॉग ऑफ x यहां पे उस पावर को शुरू में लेके आना है। पावर खत्म हो जाएगी तो फिर हम डेरिवेटिव आसानी से, जो अपने रूल्स पड़े हुए हैं, जो थ्योरम्स यूज कर रहे हैं, उनकी मदद से इसका डेरिवेटिव फंक्शन का हम इजिली निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां आ जाएगा लॉग वाई, और यहां क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स। अब यहां पे देखें, आप इसका लॉग ले रहे हैं, ठीक है, इसका आप लॉग ले रहे हैं और उसकी पावर मौजूद है, तो लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे अगर हम पावर वाली, तो ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी। तो यानी मैं लिखूंगा लॉग ऑफ एक्स, जो ये वाला लॉग है, ये पावर है, पावर स्टार्ट में आ गई लॉग की वजह से, और साथ में आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। यानी अब देखें हमारे पास फंक्शन कितने बन गए हैं, दो फंक्शंस बन गए हैं, एक लॉग ऑफ एक्स है और एक क्या है लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, ये दो फंक्शंस आ गए हमारे पास। अब हमने डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और चूंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जी डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। d by dx of log y आ जाएगा, और इधर देखें इधर है आपके पास u dot v, उसका डेरिवेटिव यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले u का डेरिवेटिव, यानी d by dx of जो पहले वाला log है log of x, इसका डेरिवेटिव, और इनटू ये वाला फंक्शन एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस, अब v, अब u एज इट इज log of x as it is, और डेरिवेटिव किसका लेना है आपने नेचुरल लॉग ऑफ x। अब अगर आप लेफ्ट साइड को देखें, यहां पे वही बात log of y है और x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो हमें चेन रूल लगाना है, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यूजिंग चेन रूल मैं लिख सकता हूं यहां पे d by dy of log y एंड डी वाई बाय डी एक्स, और राइट साइड पे देखें क्या है लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स है सिंपल वन ओवर एक्स आ जाएगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन ओवर एक्स, और इसके साथ क्या है लॉग ऑफ एक्स, ये वाला फंक्शन एज इट इज आ गया, प्लस लॉग ऑफ एक्स, ये वाला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई विद। अब इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है, फंक्शन क्या है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, यानी ये लॉग है और ये आपका एफ ऑफ एक्स है, यहां पे ये एफ ऑफ एक्स है। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं जी, लॉग ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन ओवर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है लॉग एक्स, और उसके बाद हम क्या लिखते होते हैं log f of x का डेरिवेटिव जब लेते हैं तो क्या करते हैं पहले 1 ओवर f of x और फिर f of x का डेरिवेटिव। तो यहां f of x क्या है log x, ये वाला log x आपका f of x है, तो वो 1 ओवर आ गया, ठीक है 1 ओवर log x बन गया, और उसके बाद f का डेरिवेटिव भी चूंकि ले रहे हैं तो अब मैं क्या लिखूंगा यहां पर डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x। देखिए
log of x है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आप जो अंदर वाला log f x है उसको समझ रहे हैं f of x, यानी हमारा फंक्शन बन गया log of f of x। तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1 over f of x into f of x का डेरिवेटिव। तो 1 over f of x को मैंने क्या नाम दिया हुआ, log of x का, 1 over f of x बन गया, और फिर f of x का डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी log x का डेरिवेटिव आ गया। अब देखिए क्या बनता है, यहां पे log y है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास log y आ गया, log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 over y, और dy by dx as it is equal to natural log of x over x plus, यहां देखें आप कि ये वाला log of x, ये वाला log of x तो कैंसिल हो गए, बाकी आपके पास क्या बच गया, log of x का डेरिवेटिव। log of x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 over x। तो यहां आपके पास क्या आ गया, सिंपली 1 over x। अब यहां से आप LCM ले लें तो आपके पास आ जाएगा natural log of x plus 1 over x, और इधर है 1 over y dy by dx, और हमें dy by dx चाहिए तो हमें y को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम दोनों साइड्स पे y को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dy by dx हमारा बन जाएगा y into natural log of x plus 1 over x, और y की वैल्यू है log of x की पावर log of x, ये हमारे पास ओरिजिनल जो y गिवन था वो है log of x की पावर log of x, और ये ब्रैकेट वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। तो ये हमारा dy by dx बन गया, क्या बन गया, log of x की पावर log of x into log of x plus 1 over x।